अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ सुमरो और इस वक्त मैं मौजूद हूं रहीम यार खान का जो टाउन हॉल है इसके करीब। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग जो हैं यहां पे जमा हैं। वो किस मकसद के लिए यहां पे आए हैं, मकसद मैं आपको बताता हूं कि यहां पे गदाफी कॉलोनी है। गदाफी कॉलोनी में सेवरेज का जो पानी है पिछले डेढ़ साल से तकरीबन हर गली में खड़ा है, और वो जो सेवरेज का पानी है वो गलियों से अब घरों में जाना शुरू हो गया है, और जो घर हैं वो नीचे गिरने का खदशा है। बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, लोग जो हैं वो घरों से निकल नहीं सकते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग गदाफी कॉलोनी से यहाँ पे आके इहतजाज कर रहे हैं। अब दुआ चौक से अंदर टाउन हॉल में जो हैं वो लोग जमा हो रहे हैं, और लोगों की अच्छी खासी तादाद है। ये अच्छी बात है कि अपना हक लेने के लिए निकलें, इससे पहले भी निकल चुके हैं, मसला हल नहीं हुआ। हाँ जी, आप क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? हम भाई इसलिए आए हैं कि हमारी गली में पानी खड़ा हुआ, बड़ा गंदा गटर का पानी खड़ा हुआ है। हम नमाज के लिए हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से हम नमाज पढ़ जाते हैं, और हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे कपड़े भी ख़राब होते हैं, हमें ऐसे समझे पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता है। तो बाज़ गात ऐसा होता है कि बिल्कुल मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी निकल दिए तो उसकी वजह से हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हमें वापस मजबूरन घर जाना पड़ता है। तो इनसे इल्तिजा ये है कि हमारी गली मोहल्ला साफ कराएं, ताकि ऊपर से ईद आ रही है और हमारे सारे काम आसान करें। बंद तोड़ नाल काम होंगे ना, मैं तो सब तो पहले मैं कर दा। नहीं नहीं, लोगों के काम दिख रहे हैं, लोगों के मकान दिख रहे हैं, चले गए। आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ, सब झूठ है, झूठ है, दिला से दो साल से मसला है। मैंने कोशिश की है कि नहीं की, बाकी बड़ी ये बताएं जी आप, मैं आके वहाँ तीन चार घंटे आपसे लगाई हुई है, मैं आके वहाँ तीन चार घंटे बैठता रहा हूँ, मैं कोशिश करता रहा हूँ लोगों को बुला के आपका काम करवाने की, फिर ये बनता नहीं है। अभी आप लोग यहाँ, लेकिन फिर भी तो मसला वैसे का तो वैसा पड़ा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ा ना, आप काम करवाए, हम मेरी बात सुने ना। जो मेन जो इशू है ना वो ये है कि मेगा आगे से क्राउन फेलियर हुए पड़े हैं। सारी ये मेगा का मसला ही नहीं है, ये मेगा का मसला ही नहीं है, ये और लाइन है। कौन सी लाइन? ये जो नई लाइन डली है ना, ये उस लाइन का मसला है। उस लाइन की सफाई बेंचिंग लगी हुई है, वहाँ सफाई भी चल रही है। सफाई का मसला ही नहीं है, खुद अपने हाथों से गरीब नवाज बोरे दे के आता है रात के वक्त, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। आप एडमिनिस्ट्रेशन बुलाए वहाँ पे, हमने खुद बोरे निकलवाए हैं वहाँ से, 17 बोरे निकलवाए हैं। हुई है ना, उनको बेनकाब करने का वक्त आया, और साजिश करने वाले भी कोई बाहर के नहीं है, अफसर हैं, अंदर के मिले हुए हैं सब। मतलब मैं हूँ, आप तो आप आए हैं ना, आपसे पहले जितने भी आए हैं, हमारे मेहमान हैं, आप तो अभी आए, आपसे पहले जितने भी आए हैं उनकी बात लगा के हम खान साहब आप भी हैं, गरीब नवाज को भी ले इधर दफ्तर आए जरा, काम आप लोग करते नहीं हैं और आप लोगों के मियादे हम भुगते हैं, इधर ले आए तशरीफ, उधर बंदों को लगा के आइएगा जो वहाँ निकाल रहे हैं ना, काम उनको करने दीजिएगा। सलामत को पकड़ो, वहीं को आप चार टीमा बढ़ावे, हर पास दलील की थी तनाता को चार टीमा बढ़ावे, रह के गटर हम देने देने घंटे जाता रहा मेरा लाल देख, अगर तेरे वास्ता काम को नहीं एक ताला मार से बाहर चला वाला, अज मैं तो आखिर के पहली दफा गुना गया, मैं जहर चुके सबको ना कोई ठगी जान के डरी ना सबको कोई कम करे कर सी, मेरी पहले सुन गिनो तुहाड़े बस को नहीं ना, मेरा लाल सीट तेरा बही मैं चला वन अपने छुट्टी खेल वन असा पिछू मरू जीवू असा इतू को ना उठू। आप कहते हैं कि एक दिन के लिए बेहतरी आई है, तो इसका मतलब है कि आप बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन आप यही समझते हैं ना कि यार ये लोग क्या कर लेंगे, आएंगे एहतजाज, खुदा की कसम हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। मेरा लाल मेरी बात सुन ले, सिटी में इतनी स्ट्रेंथ है
आपके यहाँ 2,000-3,000 बंदा आपके यहाँ चारों तरफ ना बैठा होगा। बिल्कुल सियासी लोग हैं, आप ये चीज कर सकते हैं। ना आप यहाँ आ सकेंगे ना यहाँ से आप जा सकेंगे। आप घर बैठ जाए अगर हमारा मसला नहीं हो सकता। मेरे तो आपकी मेरी गुजारिश है इस मसले का हल ये ब्याज नहीं है, इस मसले का हल ये रोई बैठा जाए। तो मेरी बात सुन ले राय साहब, गुजारिश सुन ले, बैठ के इस मसले का कोई हल निकाला जाए। आप हमें इसका हल निकाल के जाए, और इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के, खुदा की कसम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम सियासत नहीं चमका रहे। मेरे ये भाई हैं, ये इनके तकलीफ मेरी तकलीफ है, मेरा लाल। मैं एज ए सिटी सदर होने के नाते मैं पूरी सिटी में जहाँ चाहूँ मैं जा सकता हूँ, मुझे और कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये नहीं, मुझे ये वोट दे ना दे, ये जिस जमात से जाता होगा मुझे गर्ज नहीं है। मकान किराया है, मेरी सुन लें, मकान किराया है जिसमें बुरी औरत नीचे आई है, जानवर नीचे आए हैं। आप मौके पे चले जाए, अगर मकान नहीं गिरा तो हम जिम्मेदार। मेरा लाल इन्होंने मजदूरी कर करके मकान बनाए, अगर ये सब के मकान गिर गए, आप देखें हर किसी घर में पानी चला गया, तो यार हमें 2,000-5,000 फुट या 100 फुट डलवाने में अगर है तो लाखों करोड़ों का इनका नुकसान हो जाएगा। यार इन्होंने मजदूरी करके, यार इन्होंने मेहरबानी की है, बनाए इन्होंने। मेरे तमाम दोस्त जो कजाफी कॉलोनी से परेशानी की हालत में यहाँ पहुँचे हैं, सीओ साहब ने यह वादा किया है कि मैं आज तमाम अफसरान को साथ बिठाता हूँ, और जो इनका सवाब दीदी फंड है जो इनके पास होता है, इनकी मेहरबानी वो लगा के हमें नई लाइन डाल दें। अब दो इनसे ये हुए हैं, या हमें लाइन डाल के देंगे, या मेगा का जो पानी आके वापस गिरता है उसको बंद करके दूसरा जो खाल जा रहा है हुसैनाबाद और कच्चा सादकाबाद रोड की तरफ उसकी सफाई करवा के हमें पानी निकलवा के दे। ये आज शाम तक का टाइम ले रहे हैं, हम इनको कल शाम तक का टाइम देते हैं। मैं